हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अंबिकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 16.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू नॉट वॉच दिस वीडियो विच वीडियोज गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक्स आर गिवन देयर। एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक द प्लेलिस्ट। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से इजिली क्या कर लेंगे, कोई प्लेलिस्ट में जाके कोई जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है या कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो वहाँ से जाके इजिली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से जो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि प्रूव डैट एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल प्लस एन प्लस 1 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले RHS साइड को लेंगे और LHS प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए, टेकिंग RHS, RHS क्या दिया आपका, n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2। तो इसे क्या कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल इसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए, तो n फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 1, क्या बचेगा, n प्लस 1। तो ये क्या आ गया, ये n फैक्टोरियल इंटू 1 1 2, ये आ गया। यही तो LHS है आपका, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो LHS RHS को लिए हमने LHS प्रूफ कर दिया, तो ये यही क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी कैसे सॉल्व हुआ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए पहले। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जितने भी डिफेंस सेक्टर के एग्जामिनेशन होता है। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हम इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि फैक्टोरियल और टर्म को कैंसिल आउट करें, ठीक है। कैसे कैंसिल आउट करें वो देखिए, हमें क्या दिया है, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है, इंटू एन, अब इससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो रहा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचा एन प्लस 2 एन प्लस 1 इंटू एन, इंटू एन इज इक्वल टू 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60। अब देखिए, हम इसको 60 को इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 16 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर, तो 2 को करेंगे तो 30 आएगा, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में अगर ब्रेक कर लें तो इजीली थोड़ा समझ में आ जाता है। नहीं तो आप तीनों को मल्टीप्लिकेशन करा के आपका यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से 1 2 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, और यहाँ पे पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये होता है, देखिए 2 ये 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 5 15, ठीक है, ये 5 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, 16 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू ये 3 2 6, 5 इंटू 2 2 4 लिख लीजिए, और इंटू 3, क्या इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म पे ये ब्रेक हो जा रहा है। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हैं, n की वैल्यू मान लीजिए इस तरीके ट्रायल मीटर के लिए n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, n प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ रहा है। तो हाँ देखिए, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ये अगर एक जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है, और दो जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ मैं, तो यहाँ पर n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n, यहाँ पर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 ये 4 इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए, n इक्वल टू, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 3, तो देखिए इसमें 3 में 1 ऐड करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 4 आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 में 2 ऐड करने पर क्या हो रहा है, 5 आ जा रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ऑन, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या गेट, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या आएगी, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको थोड़ा एक और सॉल्व कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें,
इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल दिया है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड n, फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू क्या हो, उसको भी इसी तरीके सॉल्व करना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल को हटाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टोरियल को हटाएंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, n, उसके बाद से क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज कैंसिल आउट, n प्लस 1 इंटू n, इसको 19 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 19 को लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9, ठीक है। n की जगह पे 9 पुट करिए तो क्या आएगा, n की जगह पे 9 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा आपका, 9 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या दिया है? देख लेते हैं एक बार, आंसर कुछ दिया है, हाँ 8 का क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का 9 दिया, 7 का 3, ठीक है, आंसर 9 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th पे, क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टूडेंट आपका, इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन निकालना है, बस एन की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल नहीं सकते हैं एन की वैल्यू, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो किनअप कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके से वो भी बनेगा। दो क्वेश्चन करा दिए हैं तो एक क्वेश्चन तो उस पर सिमिलर तो बन सकता है आपसे, उतना तो बन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे, तो उसको वीडियो को पोस्ट करके आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिए पहले 9th वाला, उसके बाद से 10th पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्या दिया है, कि इफ 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल आर इन रेशियो 4:3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका रेशियो दे दिया गया, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, पहले हमें क्या दिया है, पहले वो देखिए, यहाँ पे हमें दिया है स्टूडेंट, हमें दिया है यहाँ पे 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। इसका रेशियो जो दिया है, इसका रेशियो दिया क्या, ये 44 है अपॉन 3, ये वैल्यू दी गई है हमें। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में है तो ये जो मेन बटा हो जाता है क्या होता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और इसको इंटू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आता है। और ये नीचे आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, हाँ ये वैल्यू आ गई और ये ऊपर ये आ जाएगी n फैक्टोरियल, ये ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। अगर इसको मैं अरेंज करता हूँ, इसको क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे वाला इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए इतना इज इक्वल टू क्या हो गया, 44 अपॉन 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करिए, अब 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1, फिर एक बार फिर 2n माइनस 2, फिर एक बार से 2n माइनस 3, इस तरीके से फैक्टोरियल चलेगा। 2n फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए और ये n माइनस 2 फैक्टोरियल को भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब डिनोमेटर में कुछ तोड़ताड़ करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है पहले ही से। अब n को हम ब्रेक करेंगे तो n होगा, उसके बाद से n माइनस 1 होगा, फिर उसके बाद से n माइनस 2 फैक्टोरियल में छोड़ देंगे, हमारा जो काम लायक है, जो काटने लायक। अब देखिए जो जो टर्म काटने लायक है काट दीजिए पूरा, ये देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, इससे ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल से ये n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्या चल रहा है इधर, 44 अपॉन 3 चल रहा है RHS साइड में, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास यहाँ पे बच रहा है 2n माइनस 1 एक बच रहा है, एक 2n माइनस 2 बच रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में, ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है। डिनोमेटर में क्या बच रहा है, 3 इंटू
एन एन ए माइनस वन फैक्ट एन माइनस ठीक है ये बच रहा है इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करने वाला है, कॉमन कर लीजिए 2n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो ये इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 इंटू एन माइनस 1। ये n माइनस 1 से n माइनस कैंसिल आउट, ये 44 अपॉन 3 आपके इधर चल रहा है। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक हो गया है, माइनर मिस्टेक ये हुआ है यहाँ पे हम 2n फैक्टर को ब्रेक करेंगे तो 2n माइनस 1 इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले 2n भी तो आएगा, 2n भी तो आएगा, आया कि नहीं आएगा 2n फैक्टोरियल में, 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 तो 2n यहाँ पे छूट गया था इसलिए थोड़ा आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा था, आंसर आ ही नहीं रहा था तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2 2 4 4 मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेगा इसमें 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई नीचे कुछ बचा ही नहीं है ये 44 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट ही हो गया तो बस 44 बचा है तो यहाँ पे क्या हो गया ये 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 44 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8n यहाँ से क्या आ जाएगा 44 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा उसको जब ऐड करेंगे हम यहाँ पे तो ये 8n इज इक्वल टू 56 तो n इज इक्वल टू 56 अपॉन 8। ठीक है ठीक है ये आएगा ना वैल्यू 8 आएगा यहाँ पे 4 आएगा ना सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है 4 आएगा यार मिस्टेक क्यों हो रहा है आज कैलकुलेशन ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है तो n इज इक्वल टू 48 अपॉन 8 ये क्या आ जाएगा 6 n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है n की वैल्यू 6 आ गई तो n की आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर माइनर मिस्टेक हो गया था तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है जल्दीबाजी में हो जाता है वीडियो बनाते समय तो कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे तो इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या दिया है इसे हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे पहले LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल यहाँ पे LHS ले लीजिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल का अगर ब्रेक करूँ मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश ये चलता जाएगा। ठीक है उसके बाद से ये यहाँ पे आएगा n माइनस आर माइनस 2। ठीक है इस तरीके से चलेगा ठीक है इस तरीके से फिर उसके बाद से क्या आ सकता है n माइनस आर माइनस 1। ठीक है ये आएगा फिर उसके बाद से आ जाएगा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से टर्म आ जाएगा। मान लीजिए कि आर तक हम क्या कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो पहले 2 आएगा r माइनस 2 फिर r माइनस 1 फिर उस तरीके से जाएगा तो n माइनस आर टर्म आएगा। ठीक है फैक्टोरियल यहीं तक छोड़ देते हैं और आगे भी जा सकता है यहीं पे हमें क्या करेंगे हम क्योंकि ये हमें काटना है तो n माइनस आर का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ये अब इससे क्या होगा इससे ये कैंसिल आउट बचेगा क्या आपका n माइनस 1 n माइनस 2 डैश डैश यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस 2 फिर इनटू n माइनस आर माइनस 1। ठीक है इस तरीके से आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है तो ये क्या हो गया आपका RHS हो गया तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11th का। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा जहाँ तक बोले वहाँ तक क्या करिए ब्रेक डाउन कर दीजिए। ठीक है आते हैं सेकेंड पे क्वेश्चन नंबर 11 के सेकेंड वाले पोर्शन पे तो इसको नोट करिए पहले वीडियो को पॉज करके मैं सेकेंड प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा प्रूफ टाइप का है दो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हार्ड है एक हार्ड नहीं है इजी है थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा 11th और थोड़ा सा 12th दिया है तो बच्चे थोड़ा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ठीक है इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या दिया है ठीक है इज इक्वल टू क्या दिया आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम क्या करेंगे पहले LHS को लेंगे टेकिंग LHS क्या दिया आपको उसे हम लेंगे तो देखिए LHS में जो दिया रहेगा उससे पहले हम अब अटेंड करते हैं LHS में क्या दिया है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल ठीक है इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल ये दिया है ये LHS में दिया है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा ये n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल
n टू r फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या होगा n फैक्टोरियल, इसे तो देखिए यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल है तो इसको भी बना सकते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं तो n माइनस r प्लस वन आ जाएगा। अब इससे जाएगा तो क्या होगा, एक घट जाएगा तो एक हट हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा n माइनस r फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो ये बनेगा, और इन टू यहाँ पे क्या है r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉमन क्या बच रहा है, जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन करना मतलब n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इतने को कॉमन कर लिए तो कॉमन क्या बचेगा, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना था, इतने से इस टर्म में डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या बचा, वन बचा, बचा कि नहीं बचा, वन बचा ना, यहाँ पे क्या बचा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट बचे, ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या ये आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल इसमें डिवाइड करेगा, ठीक है इसमें डिवाइड करेगा इसमें, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे एन माइनस आर माइनस प्लस वन क्या करेगा, क्या करेगा इसमें, इसमें डिवाइड करेगा ना इस वाले क्वांटिटी में, ठीक है इस ये वाला क्वांटिटी क्या करेगा इसमें डिवाइड करेगा, ये पूरे क्वांटिटी में डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना होता है, तो n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है इसमें डिवाइड करेगा क्या ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल जाके ऊपर इंटू कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, डिवाइड करने का मतलब तो इसमें इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है डिवाइडेड बाई क्या आएगा एन फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल आएगा, ठीक है तो ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये इससे 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 ये कैंसिल आउट, बचा क्या आपका ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा, ठीक है ये वाला टर्म बचा कि नहीं बचा, ये वाला टर्म बचा ना, ये वाला टर्म बचा और ये बचा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा r फैक्टोरियल को, देखिए यहाँ पे r फैक्टोरियल बचा और यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा r माइनस ठीक है हाँ r माइनस वन फैक्टोरियल, तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है और n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे क्या है r माइनस वन फैक्टोरियल डिनोमीटर में ये चल रहा है, इससे ये क्या होगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या r अपॉन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, तो बचेगा क्या यहाँ पे r अपॉन n माइनस आर प्लस वन बचेगा, ठीक है इस तरीके से बचेगा, बात समझ में आ गया, तो कुछ नहीं किया है हमें, क्या कॉमन करना होता है डिवाइड करना होता है, इससे क्या करिए इस वाले क्वांटिटी में डिवाइड कर दिए, जो रिजल्ट आएगा ये आएगा सिंप्लीफिकेशन करके। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आएगा ये देखिए यहाँ पे तो रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो n माइनस r प्लस वन प्लस r डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस वन आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो e वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए r से r कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचा n प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, r फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, ये अभी अभी इस पोर्शन को हमने ब्रेक किया था तो इस पोर्शन में ब्रेक हुआ था ना, ब्रेक किया है देखिए यहाँ पे जब ब्रेक किया है तो मैंने इस पोर्शन को ब्रेक किया है तो ये वाला पोर्शन ब्रेक हो गया है, होगा कि नहीं हो गया है, तो अब मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना यहीं पे ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन इसका फैक्टोरियल, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो आपका RHS है, आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, आई होप कि समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है वीडियो, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है स्टूडेंट। तो जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, स्टडी अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है।